स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 88.88 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, लेकिन यह जीत विवादों में गिरी रही क्योंकि मौजूदा विश्व चैंपियन का पहला प्रयास बहुत काफ़ी अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि थ्रो आसानी से 85 मीटर के निशान को पार कर गया। हालांकि तकनीकी खराबी के कारण आयोजक इसे मापने में सक्षम नहीं थे, जिसके चलते नीरज को एक बार फिर थ्रो लेना पड़ा। अपनी स्वर्ण पदक जीत के बाद नीरज ने विवादास्पद घटना के बारे में खुलकर बात की और बताया कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार नीरज चोपड़ा ने बताया कि मैं हैरान और कंफ्यूज था। मैंने अब तक जिस भी प्रतियोगिता में भाग लिया है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है उन्होंने मेरा लैंडिंग मार्क खो दिया और वो इसकी तलाश करते रहे। नीरज ने आगे कहा, मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं था। मैंने सोचा कि लंबे समय तक बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ये भी सोचा कि इससे अन्य प्रतियोगियों की प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ रहा है। अन्य प्रतियोगी इंतजार कर रहे थे और मुझे भी उनका सम्मान करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं बाद में थ्रो करूँगा। उन्होंने कहा कि आगे नियम के अनुसार केवल 6 थ्रो होते हैं, लेकिन पहली बार मुझे किसी प्रतियोगिता में 7 थ्रो मिले। बता दें कि यह पहली बार नहीं था कि एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय एथलीट के साथ इस तरह की कोई बेईमानी हुई हो। ज्योति यारा जी को शुरू में 110 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल के दौरान अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में आयोजकों ने चीनी एथलीट की गलती पाई और उसके कांस्य पदक को रजत में अपग्रेड कर दिया गया। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।